हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में ग्रुप डी के रिगार्डिंग 7 RTA के रिप्लाई मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो, इस वीडियो से पहले भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने चंडीगढ़ का डाटा आपको दिखाया था, उसके बाद बिलासपुर, अजमेर, ये 2-3 RTA मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। इसके अलावा भी कुछ और RTA के रिप्लाईज मेरे पास हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल 7 RTA के रिप्लाई हैं और कुछ रिप्लाईज में डाटा दिया गया है, कुछ में नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा कि भाई किस जोन से कितना अटेंडेंस परसेंटेज रहा है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप वीडियो को यहीं स्किप करना चाहते हैं, तो 40% से तो कमी यहां पर अटेंडेंस देखा जा रहा है सभी जोन में, ठीक है। बाकी वीडियो आप अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो सारे RTA के रिप्लाईज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स हैं ग्रुप डी के रिगार्डिंग वो आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दो बुक्स के बारे में। मैंने आपको दो बुक्स बताई थी कि किरण वाली जो मैथमेटिक्स की बुक है और जो रीजनिंग की बुक है, आप इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया एलपी वगैरह का, तो आप अपने बेसिक जो मैथ्स है और रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में कुछ कमेंट आ रखे थे कि सर जो साइंस का पोर्शन है वो कहाँ से कवर करें। तो देखो, साइंस के पोर्शन के लिए भी मैं आपको ये बुक बता दूँ, किरण पब्लिकेशन की 3 बुक आती है, कि बायोलॉजी की है, एक केमिस्ट्री की है और एक फिजिक्स की है। सबसे पहले इसमें क्या कि थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, थ्योरी देने के बाद में MCQ भी बहुत सारे दिए गए हैं। मतलब देखो, जो एलपी वाला पोर्शन है ना, एलपी के CBT 1 में जो 20 नंबर का GS आता है और बाद में जो 40 नंबर की फिजिक्स आती है ईडी के साथ, तो ये वाली बुक से आप कवर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इनको पढ़ लेते। चैप्टर वाइज थ्योरी भी यहां पर दी गई है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं। तो जो मैथमेटिक्स की और आपकी जो रीजनिंग की बुक है उसके साथ साथ आप इन वाली बुक्स का भी यूज कर सकते हैं अपने साइंस को प्रिपेयर करने के लिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखो, ये वाला जो चंडीगढ़ का RTA रिप्लाई है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा था, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, बाकी मैं पूरा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपली मैं आपको बता दूँ, लगभग 34 या 35% के अराउंड ये अटेंडेंस है। और यहाँ पर इन्होंने चंडीगढ़ रीजन का जो पूरा डाटा है वो दिया था कि चंडीगढ़ रीजन में 5 फेज में कितने कितने स्टूडेंट बुलाए गए थे और कितने स्टूडेंट वहाँ पे आए थे, ठीक है। चंडीगढ़ के रिप्लाई में ये सारा डाटा था। वीडियो डिटेल में पहले ही बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखा था वो यहाँ पर ये डाटा स्क्रीन लेके देख सकता है कि किस फेज में कितने स्टूडेंट आए थे। ओवरऑल 34-35% के करीब यहां पर अटेंडेंस देखा गया था। बात करते हैं दूसरे RTA रिप्लाई की। दूसरा जो RTA रिप्लाई है ये अजमेर जोन का है। देखो, अजमेर की मैं अगर बात करूं तो यहां पर भी इन्होंने परसेंटेज में डाटा दे दिया था। यहां पर आप देख सकते हैं 42% इन्होंने खुद ही यहां पर बताया था और ये CN1 2019 यानी कि आपके ग्रुप डी के रिगार्डिंग है। 42% यहां पर अटेंडेंस था और यहां पर 2 शिफ्ट का डाटा भी इन्होंने दिया था, 30-8-2022 का और 2-9-2022 का सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट का डाटा भी यहां पर दिया था। तो अगर आपका एग्जाम इस दिन था अजमेर से तो आप ये भी डाटा देख सकते हैं। बाकी 42% यहां पर अटेंडेंस बताया गया था अजमेर से, ठीक है। तीसरा जो RTA का रिप्लाई था वो बिलासपुर का था, ये भी मैं पहले दिखा चुका हूं, दोबारा से मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कुछ स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखे थे। तो यहां पर जो बिलासपुर का डाटा, ये भी आई थिंक 32% जो अटेंडेंस है वो यहां पर दिखा रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहां पर इन्होंने बताया था कि कितने स्टूडेंट बुलाए गए थे और कितने स्टूडेंट आए थे। साथ ही यहां पर इन्होंने ये भी बता दिया था कि भाई किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए थे। अब आगे जो नया RTA का रिप्लाई है वो है अहमदाबाद का। देखो, अहमदाबाद में RTA लगाई गई थी 7/11/2022 को, यानी कि 7 नवंबर को उसका रिप्लाई मिला है, लेकिन यहां पर इन्होंने डाटा ना दिया है। इन्होंने डाटा के बजाय ये बोल दिया कि प्रोसेस अभी चल रहा है, हम ये डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। देखो, RTA में बेसिकली क्या होता है कि कुछ जोन वाले रिप्लाई कर देते हैं डाटा में, बाकी कुछ जोन से कई बार रिप्लाई नहीं आता है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि RTA के रिप्लाई फेक होते हैं, फेक नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ RTA रिप्लाई पास्ट में मैंने खुद भी लगाए हैं। तो कई बार क्या होता है कि रिप्लाई दे देते हैं, कई बार रिप्लाई नहीं देते हैं। तो अहमदाबाद से इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो RTA का रिप्लाई है ये हमारा सिकंदराबाद से। अब सिकंदराबाद में देखो, यहां पर इन्होंने रिप्लाई दिया है। सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर इन्होंने लिखा है जो आपका 1/2019 का डाटा था अटेंडेंस परसेंटेज का, वो यहां पर पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं वाली लाइन, अटेंडेंस परसेंटेज RRC 1/2019। तो इन्होंने पूरा डाटा ना देके यहां पर सिर्फ रिप्लाई में लिख दिया 30%। तो डायरेक्ट इन्होंने यहां पर रिप्लाई कर दिया है। और ये रिप्लाई कब मिला है? रिप्लाई यहां पर पुराना है, ये 31/10/2022 का रिप्लाई है, ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर को ये रिप्लाई मिला था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सिकंदराबाद जोन है यहां पर जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 30% अटेंडेंस यहां पर देखने को मिला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रांची की। तो रांची का तो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, रांची का जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो अटेंडेंस आ रही है ये 36% के अराउंड है। इन्होंने डाटा दिया कि टोटल 4,68,983 स्टूडेंट ने जो है अप्लाई किया था, बाकी अटेंडेंस यहां पे रहा था 1,73,000 अराउंड, ये 36% के बैठेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका यहां पर रांची का। अब बात कर लेते हैं ये पटना का। पटना का जो रिप्लाई आया ये हालांकि पुराना है, अटेंडेंस के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन इसमें जोन वाइज कैटेगरी वाइज ये पूछा गया था कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो ये भी मेरे पास एक सब्सक्राइबर ने भेजा था। यहां पर भी देखो, इन्होंने मना कर दिया है कि हम ये चीजें जो है RTA एक्ट के तहत आपको नहीं दे सकते हैं। तो यही होता है, कई बार RTA का रिप्लाई आ जाता है, कई बार नहीं आता है। तो टोटल मैंने आपको 7 RTA के रिप्लाई दिखाए हैं। पटना वालों का दिखाया जिसमें रिप्लाई नहीं आया, सिकंदराबाद में 30% अटेंडेंस, अहमदाबाद में रिप्लाई नहीं दिया है, बिलासपुर में 32%, अजमेर में 42%, रांची में 36% और चंडीगढ़ में 34%।
तो ये पूरा डाटा था टोटल 7 जोन का, बाकी एक दो जोन में मैंने RTI लगाया हुआ है। रिप्लाई आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 20 नवंबर तक रिजल्ट आ सकता है, वो चीज़ें और भी पुख्ता होती जा रही हैं। लेवल 6 के जो आपके ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ग्रुप D का रिजल्ट भी बहुत करीब है और आने वाले हफ्ते में या आने वाले 10 दिनों में आपको ग्रुप D का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है।